देहरादून में हरतालिका तीज उत्सव मेला 2023 का रंगारंग आयोजन किया गया। यह आयोजन गोरखाली महिला हरतालिका तीज उत्सव समिति ने किया। आयोजन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बतौर अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक टीमों ने लोक गीत लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। उत्सव कमेटी पिछले कई वर्षों से इस उत्सव को मनाती आ रही है। इस वर्ष के आयोजन में गोरखाली समाज के लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। नेपाल की प्रसिद्ध गायक ऋतु कंडेल ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के अलावा तीज क्वीन तीज प्रिंसेस प्रतियोगिता का आयोजन किया। वृद्ध महिला सम्मान मेधावी छात्र सम्मान प्रदान किए गए। गोरखाली व्यंजन एवं परिधान के स्टॉल आयोजन के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस मेले को प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल करने के लिए वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं गोरखाली महिला हरतालिका की समिति द्वारा पिछले कई वर्षों का आयोजन किया जा रहा है। मैं लगातार इसके बीच में आ रहा हूँ। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल किया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आना था, क्योंकि G20 की मीटिंग के कारण दिल्ली में हम उनसे बातचीत करके इनको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल कराएंगे। अगले वर्ष जब मेला मनाएंगे तो प्रदेश का सांस्कृतिक मेला होगा और अपने संस्कृति के समर्थन के लिए एक बार मैं गोरखाली सभा के माननीय अध्यक्ष जी को और तीज कमेटी के अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देता हूँ। बताइए,